राज्य में जो शराब व्यापारी है, जो कारोबार करने वाले शराबी है, वो जदयू और भाजपा के लोग हैं और सरकार का खुल्लेआम संरक्षण उन्हों को प्राप्त है और ट्रांसफर पोस्टिंग में काफ़ी पैसे लिए जाते हैं, आरसीपी टैक्स लिए जाते हैं और उसमें वैसे थानेदार को भेजा जाता है जो 1 करोड़ रुपया थाना में जाने का दे। समीक्षा बैठक करेंगे, किस चीज का समीक्षा करेंगे? आप खुद आरसीपी टैक्स लेते हैं और आरसीपी टैक्स लेकर थानेदार की पोस्टिंग करते हैं, जात के नाम पर भी आप पोस्टिंग करते हैं और करोड़ों करोड़ रुपया थानेदार कमा रहा है, आप अपने आंखों से देख रहे हैं और आपके पार्टी के कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो शराब के धंधे में संलिप्त हैं और आपके समर्थक और आपके नेता शराब की बोतलें लेकर और डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, क्या सरकार उस पर कार्रवाई करना चाहेगी? ये नीतीश कुमार की घोषणा डफरसंखी घोषणा है और ये आंखों में धूल झोंकने जैसा। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आज से शुरू है। हमारे साथ हैं राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र और इनसे मेरा सवाल है कि व्रतियों के लिए जो गंगा घाटों की साफ सफाई हुई है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, हमारा क्षेत्र भी गंगा और सोन और सरजू नदी पर तट पर बसा है और यहाँ भी गंगा है और जो व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार रोज दम भरती है कि हम ये कर दिया वो कर दिया, कई बार घटना भी घट गई, दलदल जमीन है, लेकिन हमको लगता है कि जो होना चाहिए था व्यवस्था सरकार की तरफ से, वो व्यवस्था सब छठ पर्वती के लिए नहीं हो पाया है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि बड़ी घटना घटी थी, आप जानती हैं, इसी छठ में, और उन लोगों को बचाने के लिए और छोटे कर्मचारियों को ये बलि चढ़ाने का ये सरकार काम करती है, जो परे पदाधिकारी जिनकी गलतियों से ये सब काम हुआ था उसको बचा लिया गया और छोटे जितने भी कर्मचारी थे, चपरासी थे, नीचे तबके के जो पदाधिकारी थे, उन सबको बलि सरकार चढ़ाई है और सरकार उस नाम पर केवल लूट रही है, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। नीतीश कुमार 16 तारीख को समीक्षा बैठक करने वाले हैं शराबबंदी को लेकर के, जब ये फैसला सुनाया जा रहा था उस वक्त आप भी शामिल थे शराबबंदी में, क्या लगता है आप आखिर? देखिए, 2016 में शराबबंदी की घोषणा की गई, महागठबंधन में हमारे साथ वो भी शामिल थे, सरकार में हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया था, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि बिहार में शराबबंदी हो लेकिन पूर्ण रूपेण शराबबंदी हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने राज्य में जो एनडीए की सरकार थी वो गांव और कस्बे में घर घर शराब की दुकानें खुलवा दिए थे, इससे काफ़ी क्राइम बढ़ गया था और काफ़ी गलत संदेश जा रहा था दूसरे प्रदेशों में बिहार का, तो इसी सोच को देखते हुए आदरणीय हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ने उन दिनों शराबबंदी में साथ दिया था और मानव श्रृंखला भी हम लोगों ने बनाया था जो देश और दुनिया में वो एक मिसाल कायम हुआ था, लेकिन जदयू के लोग, एनडीए के जो लोग हैं, सरकार है जो डबल इंजन की सरकार कहलाती है, इनके राज में जो शराब व्यापारी हैं, जो कारोबार करने वाले शराबी हैं, वो जदयू और भाजपा के लोग हैं और सरकार का खुल्लेआम संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है और ट्रांसफर पोस्टिंग में काफ़ी पैसे लिए जाते हैं, आरसीपी टैक्स लिए जाते हैं और उसमें वैसे थानेदार को भेजा जाता है जो 1 करोड़ रुपया थाना में जाने का दे, ये बड़ा बाबू मतलब थाना प्रभारी बनने के लिए, जो 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया देकर थाना में जाएगा वो तो अपने इलाके में शराब की भट्टियाँ चलाएगा ही, शराब बेचवाएगा ही, ये सरकार खुद दोषी है और सरकार के देख रेख के उसके संरक्षण में ये शराब की भट्टियाँ चल रही है और शराब खुल्लेआम बेचा जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से यानी कि जदयू की तरफ से तो कहा जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है, अगर कार्रवाई नहीं होती तो ये आईवास है जनता के लिए, आईवास है कि हम 16 तारीख को ये करेंगे, बैठक करेंगे, ये तो आईवास है, समीक्षा बैठक करेंगे, किस चीज़ का समीक्षा करेंगे? आप खुद आरसीपी टैक्स लेते हैं और आरसीपी टैक्स लेकर थानेदार की पोस्टिंग करते हैं,
जात के नाम पर भी आप पोस्टिंग करते हैं और करोड़ों करोड़ रुपया थानेदार कमा रहा है, आप अपने आंखों से देख रहे हैं। और आपके पार्टी के कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो शराब के धंधे में संलिप्त हैं और आपके समर्थक और आपके नेता शराब की बोतलें लेकर और डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। क्या सरकार उस पर कार्रवाई करना चाहेगी? ये नीतीश कुमार की घोषणा डपरसंखी घोषणा है और ये आंखों में धूल झोंकने जैसा है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे भाई वीरेंद्र। में एक मेरा और सवाल है कि शीतकाल भी आ रहा है तो क्या इस शराबबंदी के जो ये निश्चित रूप से ये जहरीली शराब से कितनी लोगों की मौत हुई है आप सब देश और दुनिया जान रहा है। और बिहार एक बार फिर शर्मसार हुआ कि जहरीली शराब से। और अगर शराब बिक रही है तो ये किसके संरक्षण में बिक रही है? आपके प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है और उन लोगों पर कार्रवाई क्या हो रही है? हम यही देख रहे हैं कि जो गरीब गुरबा लोग हैं वो लोगों को जेल शराब के नाम पर भेजा जा रहा है, खाना पूर्ति की जा रही है। जो बड़े बड़े सप्लायर हैं, जो बड़े गाड़ियों से उनका खेप पर खेप आता है, सरकार का खुल्लेआम उसको संरक्षण दी जा रही है, वो करोड़ करोड़ कमा रहे हैं और सरकार इसमें करवा रही है। खास नीतीश कुमार जी इसमें दोषी हैं और नीतीश कुमार को इस जहरीली शराब में जो मौत हुई है उसके पश्चाताप करना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, तो इस खबर बस इतना ही। आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कर रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए और साथ ही साथ न्यूज़ फाउंडेशन के फेसबुक पेज भी जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।